नाशुल ट्रैक रेस है सिमरन भाई के पास अराउंड 2.5 लाख। आज हम पहुंच गए हैं रेड लाइन रेसिंग स्टोर पे। हमें कुछ सामान लेना था यहाँ से, जैसे आपको पता हमने रेस सूट यहीं से लिया था, तो कुछ सामान पेंडिंग था, तो वो सामान लेने के हम आ गए हैं रेड लाइन रेसिंग स्टोर। एंड इसके नीचे ही न्यूटन्स BMW है, तो मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगा। और बगल में डुकाटी है, तो डुकाटी जान तो बनता है, बिकॉज अब तो दो दो हो गए हैं। और गाइस देखते रहे ब्लॉग, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब। तो गाइस हम आ गए रेड लाइन रेसिंग स्टोर पे अपना एल्बो स्लाइडर्स रिसीव करने के लिए। एंड यहाँ पे आते ही सबसे पहले खड़ी है एक तो गाइस ये सारे मेडल जो सिमरन ने ट्रैक पे जीते हैं, तो एक बार सिमरन भाई से भी मिलवा देते हैं आप लोगों को। यू गेट ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो हेयर Utiline के सारे चेन स्प्रेज, ब्रेक क्लीनर्स, एवरीथिंग इज देयर। RST यू हैव द नी स्लाइडर्स, देन हिफ्लो फित्रो के ऑयल फिल्टर्स, पैडॉक्स, वी हैव सिंगल साइड पैडॉक्स आल्सो ऑन डिमांड। सिंगल साइड पैडॉक ऑन डिमांड पे हैं। आ गए नेशनल ट्रैक रेसर सिमरन भाई के पास, एंड ही वाज हेल्पफुल, वेरी मच हेल्पफुल रादर, कि दो दिन में इन्होंने मेरे पास रेस सूट जम्मू भिजवा दिया था डिस्पाइट नोइंग की छुट्टी खत्म हो रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अभी हमने दो तीन चीज़ डिस्कस करी हैं टू टेक द V4S ऑन ट्रैक, एंड अभी सिमरन विल टेल यू मोर अबाउट इट, कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कितना टाइम लगता है, एंड क्या क्या ही इज रिकमेंडिंग फॉर द ट्रैक। बिकॉज इफ यू आर गोइंग फुल थ्रॉटल विद द ट्रैक, नोइंग व्हाट योर प्रोफेशन इज, तो इट टेक्स अ टोल ऑन यू। तो उसके लिए ओवर टू सिमरन फॉर सम इनसाइट्स। यस सिमरन, सो बेसिकली जो ट्रैक के लिए वो जो मेजर जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है फेयरिंग, क्योंकि इन केस कभी भी आपका क्रैश होता है तो नॉर्मल जो फेयरिंग आती है आपकी एबीएस प्लास्टिक की होती है, वो ब्रेक हो जाती है इजीली। तो जो फाइबर फेयरिंग होती है वो घिसती है, देन आप डक्ट टेप मार के या फिर आप अपना ट्रैक डे कम्प्लीट कर सकते हो, सेशन कम्प्लीट कर सकते हो, देन आफ्टरवर्ड आप उसको रिपेयर करा सकते हो, इजीली सो रिपेयरेबल होती है। तो फर्स्ट थिंग फेयरिंग डालेंगे, देन इफ यू फेस एनी इश्यूज विद ब्रेकिंग, सो ब्रेक लाइंस एंड गुड ब्रेक पैड्स हम डाल सकते हैं। ओके, सिंस दिस में भी आई थिंक ब्रेम्बो ही है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग V4S तो ऑलरेडी कम्स विद ब्रेम्बो कैलिपर्स। या फॉर दोस आर प्रोडक्शन कैलिपर्स। ओके, सो नॉर्मल कैलिपर्स अभी वही चलाएंगे, देन अगर आपको लगता है कि आप बहुत बेटर ब्रेकिंग करना है तो यू कैन शिफ्ट टू RC19 एंड ऑल दोस। तो ये भी, दिस इज अ रेस फेयरिंग इटसेल्फ, या फुल रेस फेयरिंग। हां, तो इसमें लाइट वगैरह कुछ नहीं रहती है, मिरर्स आउट हो जाते हैं, ब्लॉक्स एवरीथिंग इज आउट। वेट रिडक्शन के लिए भी मेजर अच्छी चीज है। ओके, देन इसमें आपको टैंक एक्सटेंडर भी मिल जाते हैं, जैसे V4 में फॉर अ बेटर ग्रिप फुट कार्बन फाइबर टैंक एक्सटेंडर। आई ऑलरेडी हैव वो चीज मिल जाती है। देन आपके विंगलेट्स हैं तो आपको रेस फेयरिंग में भी सेम विंगलेट्स मिल जाएंगे जो आप यूज करते हैं डाउन फोर्स में। But they do work over 190 if I'm not wrong. Yeah, over top speed. Because normally, मेरे ख्याल से 200, 220 के बाद ही वो feel होता है कि हाँ, the downforce is active. Yes, yes, yes. Then फिर अगर आपको good tires लेने हैं, अगर आपको slicks safe रहना है, तो मैं recommend करूँगा कि अच्छे slick tires से ही start करो. अच्छा, to start also. हाँ, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा safe रखते हैं track पे, क्योंकि track और एक आपके आप में एक ही चीज़ होती है, point contact is the tire only, that two point some mm. सो बस टायर्स रहेंगे, और जैसे जैसे आपको दूसरी चीज़ लगती रहेगी कि हाँ मेरे को ये चीज़ की नीड है, तो वो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। दैट इज़ अ सेकेंडरी इशू। तो इस बाइक पे व्हाट इज़ द फास्टेस्ट यू हैव बीन, दैट इज़ 1.56 या 156। सो गाइस, आई हैव बीन फॉलोइंग दिस गाइस सिंस एजेस, एंड ही इज़ ट्रूली अ लेजेंड इन दिस सुपर बाइक इवेंट इन इंडिया, एंड वील श्योरली ट्राई आर लेवल बेस्ट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट, बिकॉज तभी तुम कहीं पहुँचोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड वॉट इज द एंटिसिपेटेड प्राइस वी आर लुकिंग फॉर, जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू? 2.5 लाख इंक्लूडिंग स्लिक्स एंड एवरीथिंग। ओके, तो बेसिकली अराउंड 2 to 3 lakh का खर्चा आएगा। हाँ, तो उतना तो दैट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, कि इफ यू आर प्लानिंग टू टेक इट ऑन ट्रैक, तो आप वॉर्टेक्स के या वेंडेटा के, एक्सॉन के अच्छे रेस सूट भी लो, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली हेल्प यू। नॉर्मली आप नॉर्मल गियर से भी कर सकते हो, बट वो अलाउड भी नहीं होता है वहाँ ट्रैक। थैंक यू सो मच सिमरन फॉर दिस इनसाइट, एंड इसके बाद वील ट्राई सेंडिंग अ बाइक वेरी सून टू यू बिफोर गेटिंग इट आउट टू ट्रैक। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, एंड ये सारे गुडीज लेके हम जा रहे हैं वापस।
सब में हमारे खून पसीने मेहनत और इसके कमाई लगी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जल्दी से 10K करो, 100K करो, 100K पे न्यू सुपर बाइक, स्टे ट्यून्ड।